हाय गाइस, वेलकम बैक। सो फाइनली बॉस, वी हैव समथिंग ऑफिशियल ऑफ कल्कि, और वो है ये जो एक छोटा सा टीजर, म्यूजिकल टीजर रिलीज किया गया है हमारे से अबाउट द ऑडियो राइट्स। देखो यार, कल्कि को लेकर मैंने आपसे कहा ही है कि फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और इनफैक्ट आज दिन में भी मैंने देखा था। यूजुअली मैं ऐसे ट्वीट्स देखती नहीं हूँ फैंस की तरफ से, क्योंकि फैंस में काफी पेशेंस होता है, लेकिन लोग इस चीज को लेकर काफी नाराज थे कि पुष्पा का देखो आप सॉन्ग कितने पहले से पुष्पा सॉन्ग आ गया, देवरा का सॉन्ग देखो कितना पहले, 4-4.5 महीने पहले उसका पहला गाना आ रहा है। तो भाई कल्कि के मेकर्स क्या कर रहे हैं, वैजंती मूवीज क्या कर रही है, जो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना सॉन्ग के बारे में पता है, ना टीजर्स के बारे में, ना ट्रेलर के बारे में, एकदम से बॉम्बार्ड कर दोगे सब कुछ, और फिर उसके बाद वो जो जो ओपनिंग मिलनी चाहिए मूवी को, 600 करोड़ का इसका बजट है, वो जो ओपनिंग मिलनी चाहिए क्या वो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये सारे के सारे कंसर्न्स थे। सो जैसे मैंने आपसे कहा ही था, लेकिन कि थोड़ा इंतजार और करो, मेकर्स हैं, मेकर्स को पता है कि उनको बहुत कुछ काम करने बाकी हैं और टाइम निकला जा रहा है, आई एम श्योर दे नो इट। और देखो आज अभी थोड़ी देर पहले ही ये जो अनाउंसमेंट है ये आ गई है। सारेगामा लेबल ने अपना जो ये एक वीडियो का टीजर है ये डाला है, ये करीब 6-7 सेकंड का है, जिसमें हमारे को टेंग 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 ऐसा ऐसे कुछ म्यूजिक जो है वो सुनाई देता है। एंड वी कम टू नो दैट भाई म्यूजिक के मामले में भी ये मूवी बहुत बढ़िया फील देने वाली है व्हेन इट कम्स टू द ग्रैंड स्क्रीन एक्सपीरियंस। मुझे ना सच्ची बता रही हूँ, मुझे ना बहुत कंसर्न था कल्कि के म्यूजिक को लेकर, क्योंकि जब थीम ऐसी है, साईफाई मूवी है, कोई ऐसी मासी मूवी नहीं है, तो भाई साईफाई फिल्म में आप क्या किस तरीके के गाने सुनोगे, किस तरीके के गाने डालोगे उसमें, कहीं पर हमारा हमारी हिस्ट्री के बारे में भी बात हो रही है, महाभारत की भी बात हो रही है, तो ये बड़ा ही एक पेचीदा टाइप का कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट ईजी टू एक्चुअली वर्क ऑन। फिर भी लेकिन जब हम म्यूजिक के बारे में बात करते थे, सुनते थे, तो मुझे लगता था कि नहीं कुछ तो है यार, कुछ तो करने वाले हैं लोग। अब ये सुन के ना, ये म्यूजिक टीजर सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर ये नंबर जो है ये कोई मासी टाइप का नंबर होगा, और वो हमारे प्रेजेंट जो हमारा प्रेजेंट टाइम है उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, या फिर बिल्कुल ही पास्ट में जब जिस तरीके के गांव वाँव में डांस होते थे वो वैसा कुछ फ्लेवर मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है इन द म्यूजिक। और एक चीज और यहाँ पर है गौर करने वाली, देखो हमको ये भी पता है कि फिल्म में दिशा पाटनी है, तो मैंने ये भी बोला था कि हाउ आर दे गोइंग टू इन्फ्यूज ऑल ऑफ दैट ग्लैमर इन अ कॉन्सेप्ट लाइक कल्कि, कैसे करेंगे वो, या क्या उनका थॉट प्रोसेस है। यहाँ पे म्यूजिक सुन के अब मुझे काफी क्लैरिटी हो रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्या करने वाले हैं और किस तरीके का इसका ट्रीटमेंट होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है जिसके ऊपर ध्यान जाता है वो है कि जब म्यूजिक राइट्स की बात हो गई है, सब लोग ये बोल रहे हैं भाई सॉन्ग 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 कब लाओगे, पहले सॉन्ग लेकर के आ जाओ ताकि लोगों के दिमाग में म्यूजिक चढ़ जाए। किसी भी फिल्म को, किसी भी सॉन्ग को चार्टबस्टर होने में थोड़ा सा समय लगता है, लोगों के दिमाग में रजिस्टर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट मेकर्स ने अभी कुछ भी नहीं बताया है, इतना जरूर आ चुका है कि भाई सारेगामा कर रहे हैं और इस तरीके का म्यूजिक है। आपको याद होगा कि एक डांस स्टेप काइंड ऑफ वीडियो जो टीजर था, जो प्रभास का भी शेयर हुआ था आपसे काफी समय पहले, उसको भी अगर हम रेफर करके बोलते हैं तो लगता है कि भाई कुछ तो पेपी नंबर यहाँ पर जरूर होने वाला है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इज कि 19th of May को एक और इवेंट प्लान है, 22 मई को तो है ही, 22 मई को तो फैन मीट है, लेकिन उससे पहले 19th of May को एक और इवेंट प्लान है हैदराबाद में, जो डायरेक्टर्स को लेकर के होगा, जिसमें हम पुष्पा की टीम भी को भी देखेंगे, हम कल्कि की टीम को भी देखेंगे, हम तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की काफी नामी ग्रामी हस्तियां वहां पर आने वाली हैं। अब इस इवेंट में क्या क्या चीजें होने वाली हैं वो तो इवेंट के दिन ही पता चलेगा, लेकिन फैंस इस बात पर अब टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं कि जो भी करोगे, जो भी जैसे भी करोगे भाई, अब ना कुछ बड़े अपडेट्स लाने स्टार्ट करो, ये सबसे काम नहीं चलेगा। तो यार है कहीं ना कहीं तो है बेचैनी कि कोई ना कोई बड़ी चीज होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं अभी ये भी मैंने आपको बोला था कि इन्हीं 2-3 दिनों में कोई बड़ा बॉम्ब फूटने वाला है। ये मत सोचना कि कुछ नहीं कर रहे हैं, सो रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, पता नहीं वैजंती मूवीज को क्या हो गया है। अब देखो यहाँ पर एक और एग्जांपल फैंस ने साइड किया था कि सलार के टाइम पे क्या हुआ था, जो हम वाले फिल्म्स ने किया था, क्या सलार के टाइम की तरह ही ऐसा करेंगे कि बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे जाकर सब चीजें एक बार में सब चीजें यू नो दे थ्रो अप टू द ऑडियंस एंड टू द फैंस, ये लो भैया ये लो हमने कर दिया और उसके बाद अब हम सारा का सारा प्रमोशन जो है वो चलता रहेगा, फिल्म तब तक रिलीज होने का टाइम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे फैंस का एक कंसर्न ये है कि वो फिल्म का जॉनर बिल्कुल डिफरेंट था, वो मासी मूवी थी, यहाँ पे हम साईफाई मूवी की बात कर रहे हैं, इस साईफाई मूवी को वो ओपनिंग लेने के लिए वो प्रमोशन बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म प्रमोशन, एक जो लंबे समय से चला रहा है और बड़े बड़े लेवल पर हो रहा है, ऐसा प्रमोशन होना जरूरी है। सो सारे के सारे कंसर्न्स अपनी जगह पर हैं, लेकिन भाई देखो अब यहाँ पर हम यही कर सकते हैं कि थोड़ा सा और इंतजार करें, जब आना शुरू हो गया है अब कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, वैसे भी अब कोई बहुत बड़ा कोई इवेंट बचा नहीं है, इलेक्शन सब हो चुका है वहां पर, एंड नाउ दे विल बी प्लानिंग फ्यू थिंग्स दैट आर इन द पाइपलाइन कि क्या क्या करना है। 22 मई से जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि स्टार्ट हो जाएगा। अब गाना कब तक रिलीज होगा, क्या ये गाना भी अभी आने वाला है, क्या गाने के बारे में भी अभी कोई इन्फॉर्मेशन है? गाना जो है, सॉन्ग जो है कल्कि का फर्स्ट सॉन्ग, बताया ये जा रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में आएगा, इट विल नॉट कम बिफोर दैट।
यहाँ पर बहुत फैंस नाराज भी हो रहे हैं कि यार भाई क्यों क्यों भाई, 24 मई को रिलीज कर देते, आईपीएल का फिनाले था उस टाइम पे रिलीज कर देते, पहले बात हो रही थी उस टाइम पे कुछ ना कुछ रिलीज करेंगे वो कर देते, नहीं वो भी नहीं करना है, उसके बाद बात हो रही थी कि चलो ठीक है अगर वो नहीं करना है तो कोई ना कोई जैसे प्रिल्यूड की बात हो रही है, प्रिल्यूड का जो टीजर है वो आएगा, प्रिल्यूड का टीजर के बाद प्रिल्यूड्स आएंगे, दो दो प्रिल्यूड्स पहले आएंगे, दो प्रिल्यूड्स बाद में आएंगे इन द लेटर हाफ ऑफ जून मंथ, तो यार कैसे 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 होगा। देखो कंटेंट बहुत सारा है मेकर्स के पास, अब तो प्रमोशनल कंटेंट मेरे हिसाब से भी बहुत सारा है, अगर उस इतने बड़े खजाने में से थोड़ा बहुत उनको निकाल के दिखाना पड़ भी रहा है तो अब वो उनको करना चाहिए। और एक कंसर्न है वही कि ओवरसीज एडवांस बुकिंग क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो, वो स्टार्ट होनी चाहिए, अभी 41 दिन बचे हैं फिल्म के रिलीज में, वो भी नहीं होगा प्रैक्टिकली स्पीकिंग, वो भी नहीं होगा, ये लोग पहले जो करेंगे वो अभी तो फिलहाल जिसके चांसेस लग रहे हैं, एक तो म्यूजिकल राइट के बारे में आ गया, दूसरा प्रिल्यूड का टीजर आता होगा, प्रिल्यूड के टीजर के ऊपर इन्फॉर्मेशन आती होगी मुझे लगता है, वो जल्दी आएगी। बाकी आपको क्या लगता है ये म्यूजिक सुनने के बाद आपका क्या रिएक्शन था, आपको म्यूजिक कैसा लगा है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा इंतजार और कर लो यार फैंस, थोड़ा सा इंतजार और कर लो, बाकी सब चीजें तो पाइपलाइन में जो है वो आई जाएंगी। सो बाकी लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।